नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द थॉटरी अपस्किलिंग में। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है सेबी के न्यू रूल्स के रिगार्डिंग, जो कि आने वाले दिनों में सेबी प्लान कर रहा है ऑप्शंस ट्रेडिंग के ऊपर में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में ऑप्शंस ट्रेडिंग का मार्केट अपने आप में बहुत ज्यादा बड़ा है, और अगर आप देखेंगे तो आफ्टर कोविड लगातार इस ऑप्शन ट्रेडिंग के मार्केट में लगातार ग्रोथ देखने को मिल रही है। दोस्तों, सेबी इंडिया में जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं और इन्वेस्टर जो कैटेगरी है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए टाइम के साथ में न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंट्रोड्यूस करता रहता है। दोस्तों, इन दिनों जो ये जो बढ़ा हुआ वॉल्यूम है ऑप्शंस का, वो कहीं ना कहीं सेबी के लिए कंसर्न बना हुआ है कि इस वजह से जो ऑप्शंस में जो इतनी ज्यादा वॉल्यूम का टर्नओवर हो रहा है, कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर इसकी वजह से फंस ना जाए। तो दोस्तों, सेबी प्लान कर रहा है कि आने वाले दिनों में हम इसके ऊपर एक नए रूल्स एंड रेगुलेशंस लेके आए। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग देखेंगे कि पिछले दिनों में क्या होता था, जब आफ्टर कोविड हमारे इंडियन इन्वेस्टर्स और जो ट्रेडर हैं जो ट्रेडिंग करते थे, वो उनको कई तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड होती थी, जिनमें मार्जिन बेनिफिट होता था, इंट्राडे लिवरेजिंग होती थी। बट जैसे जैसे ये पार्टिसिपेशन बढ़ता गया, सेबी ने इन रूल्स को क्या किया, कंट्रोल किया, जिससे कि बाजार में जो बहुत ज़्यादा रिस्क एक क्रिएट हो सकती थी वॉल्यूम पार्टिसिपेशन के कारण में और स्पेकुलेशन की वजह से, वो कहीं ना कहीं कंट्रोल में आ सके। दोस्तों, अब ये जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसकी जो कैची जो चलने वाली है, वो चलने वाली है ऑप्शंस के ऊपर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आने वाले दिनों में सेबी किस तरीके की प्लान कर सकता है इन रूल्स को लाने के लिए, और एक क्या नए तरीके की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी मार्केट में इन रूल्स को आने के बाद में। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और नोटिफिकेशन में जाके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो ऑप्शंस में ये जो बढ़ा हुआ पार्टिसिपेशन है, ये कहीं ना कहीं बाजार में एक रिस्क को क्रिएट कर देता है, और सेबी रिटेल जो पार्टिसिपेशन है उनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट करना चाहता है। बट दोस्तों, इससे होगा क्या कि आने वाले दिनों में जो ऑप्शंस में ट्रेडिंग होती है, रिटेल पार्टिसिपेंट्स चाहे बड़े प्लेयर्स हो मार्केट में, उन दोनों को मिला के ही बाजार में एक लिक्विडिटी क्रिएट होती है। लेकिन अगर ये न्यू रूल्स आते हैं जिसमें कहीं ना कहीं एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा कि जो भी ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहेंगे उनके लिए सेबी कुछ ना कुछ रूल्स डिफाइन करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो पार्टिसिपेशन है वो रेस्ट्रिक्ट हो जाएगा, जिससे दोस्तों आने वाले दिनों में जो प्रॉब्लम एक निकल के आती है वो लिक्विडिटी की प्रॉब्लम निकल के आती है। मतलब जो बिड एंड आस्क में जो गैप होता है, उसका जो डिफरेंस है वो क्या हो सकता है, बढ़ सकता है। दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अभी जो ऑप्शंस मार्केट में जो ट्रेडिंग होती है उसमें रूल्स को लाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि जो अगर हम ऑप्शन बायर की बात करें तो वो प्रीमियम को पे करता है, और अगर हम ऑप्शन सेलर की बात करें तो उन पे जो फ्यूचर के मार्जिन होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं। दोस्तों, ये जो वॉल्यूम का पार्टिसिपेशन है प्रीमियम का, ये एक ह्यूज नंबर बनता जा रहा है दिन ब दिन, और सेबी कहीं ना कहीं इस चीज को क्या करना चाहता है, रेगुलेट करना चाहता है। तो दोस्तों, अब बात ये समझ में नहीं आती कि सेबी लिक्विडिटी बढ़ाना चाहता है या लिक्विडिटी को कम करना चाहता है। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जो भी ऑप्शंस में ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बन जाएंगे, और दोस्तों ये जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो सकते हैं वो एक ये एक गैस है, हो सकता है कि जो आपकी होल्डिंग पड़ी है डीमेट अकाउंट में उसके बेसिस पे हो सकता है कि आपका जो ITR जो आप फिल करते हैं उसके बेसिस पे हो, या हो सकता है कि जो आप बैंक स्टेटमेंट शेयर करते हैं डीमेट ओपन करवाते वक्त उसके बेसिस पे हो। तो दोस्तों, कुछ भी क्राइटेरिया इनमें से हो सकता है, या सेबी कुछ नए तरीके की एलिजिबिलिटी भी क्या कर सकता है, तैयार कर सकता है। तो दोस्तों, आपको आने वाले इन जो रूल्स हैं उनके लिए प्लान रहना है। तो ये था एक अपकमिंग प्लान सेबी का, जो कि इन फ्यूचर इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो हमें इस चीज के लिए क्या रहना है, प्रिपेयर रहना है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। होप इस वीडियो से आपकी कुछ ना कुछ नॉलेज एनहांसमेंट हुई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए इतना रखते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।